अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज जो है, आज की वीडियो थोड़ी सी एक डिफरेंट है। आज मैं यहाँ पे रोड साइड पे मांगा के पास यानी सुंदर के पास आया हूँ और यहाँ पे जो है ना गुड़ बन रहा है। तो आज फ्रेश और ताज़ा गुड़ को बनते देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है। तो ये पीटर इंजन होता है, मेरा ख्याल है, अगर ना गलत ही कह रहा है। तो पीटर इंजन चल रहा है और पीटर इंजन के थ्रू जो है ना उसके अंदर ये गन्ना डाल रहे हैं और ये जो है रो निकल रही है। एक इन्होंने बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है जिसके अंदर रो निकल रही है और ये इंजन चल रहा है और एक साइड से वो डालते जा रहे हैं, गन्ना डालते जा रहे हैं और इधर से ना ये पाइप के थ्रू। ऐसे देखने में आपको इतना ज़्यादा हाइजेनिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये गर्म वगैरह होता है तो फिर जो है ना ये बिल्कुल साफ वगैरह हो जाता है। तो यहाँ से ये गन्ना डाल रहे हैं और ये वाले हिस्से से ना उसमें से अंकल ने ग्लव्स वगैरह पहने हुए इस वजह से कि ये जो गन्ना होता है ना इसकी जो साइड होती है ना बड़ी हार्ड होती है, तो अंदर करते हुए ना हाथों को लग सकता है तो बड़े कट जो है ना बड़े गंदे से कट लगते हैं। उससे बचने के लिए अंकल ने ना ग्लव्स पहने हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल इन्होंने कभी सोचा भी होगा कि मैं हाइजीन के लिए ग्लव्स पहने। मकसद इनका सिर्फ ये है कि ये सिर्फ चाह रहे हैं कि हाथ वगैरह कटे ना। की कर दे हो? जाएगी? मैं देखो वही दहा रहे हैं। अच्छा, अंकल कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर जो है ना नेट पे भी फेंके और मैं जो है ना मेरी तस्वीर जो है ना ये गुड़ बनता दिखे। अच्छा जी, अंकल कह रहे हैं मेरा ना जरा प्रॉपर इंटरव्यू लें। तो ये अंकल है जी, अंकल जी कितना का आप बनाते हैं, कितना का बना लेते हैं गुड़? ये आजकल सीजन है, आजकल सीजन है। हाँ, दस मन? दस मन डेली का? दस मन डेली। तो ये अंकल बता रहे हैं ये डेली का जो है ना अराउंड 10 मन गुड़ जो है ना तैयार कर लेते हैं। ये मैंने माइक इस वजह से पहना हुआ है क्योंकि शोर वगैरह काफी ज्यादा है। तो खैर, पीछे जो है ना काफी ज्यादा खेत हैं और पीछे खेती बाड़ी की जमीन है और उन्होंने सोलर पैनल वगैरह भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो रोड साइड पे जो है इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है। तो यहाँ से गन्ने को यहाँ पे जब निकालते हैं ना ड्रम भर भर के, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं उन कढ़ाइयों के अंदर डाल देते हैं और उसको फिर पकाना शुरू करते हैं। तो जब उसे शुरू में पकाते हैं ना तो जो सारी डस्ट वगैरह जो होती है ना ऊपर आ जाती है, तो फिर उसको डस्ट को निकाल के ना इस तरह ड्रम्स में फेंकते रहते हैं। तो जो पीछे है ना जो येलो नजर आ रहा है आपको, ये ना ऑलमोस्ट पकने के करीब है, यानी जब सारा गंद वाला उसमें से निकल जाता है ना हीट दे के, तो ऑलमोस्ट 1 आवर पकाने के बाद ना तो इसकी ना अराउंड इस तरह की शक्ल हो जाती है। तो जब ये ठीक काफी ज्यादा हो जाता है ना तो फिर ये इस लकड़ी वाले बॉक्स के अंदर ना उसको ढेल देते हैं। तो अभी भाईजान से पूछते हैं कि यहाँ पे गुड़ जो है ना वो कितने किलो भाईजान, ये कितने किलो के हिसाब से बेचते हैं फिर गुड़ देते हैं कि नहीं? अब वैसे ही 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। इसमें कोई सोडा वगैरह भी होता है कि प्योर गुड़ ही होता है? बस तेरे सामने ही है। अच्छा, बस जो ये सादा बनेगा यही बनेगा, पानी पाना बस। ये क्या डाल रहे हैं? भिंडी तोरी। हाँ जी, पानी। अच्छा, भिंडी तोरी का पानी? अच्छा, वो भिंडी तोरी का पानी डालने से मिट्टी कट्टा जो गन्ने के अंदर होता है सारा निकल आता है। अच्छा, वो भाई कह रहे हैं कि जो भिंडी तोरी का पानी नहीं होता उसके अंदर वो जो उन्होंने छिलके जो वहाँ पे तोड़े थे भाई, तो ये भाई उस छिलकों उस वाले पानी को ना भिंडी तोड़ी के पानी को इसके अंदर डाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना भी गंद होता है वो सारा जो है नीचे आ जाता है, सारा गंद ऊपर आ जाता है और नीचे फिर जो है ना इस तरह डालते रहते हैं बाद में और साथ में उसको पकाते रहते हैं। तो पानी के साथ वो सारा जो ये गंद ये यहाँ पे निकाला है वो सारा बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस इस तरह करते रहते हैं जब तक कि ना गुड़ जो है ना पक नहीं जाता। और ये पीछे जो है ना वो सारा वेस्ट पड़ा हुआ है जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसके स्टिक्स बच जाती हैं ना, तो ये पड़ी हैं और कुछ साथ में ना गन्ने भी पड़े हुए हैं। तो ये जो सारी स्टिक्स है ना ये जो है ना ये भी सारी वेस्ट नहीं होती, इसका वो सारा क्या करते हैं कि इसी को ना जला के ना जो मतलब जो आग जलाई होती है हीट देने के लिए, इसी सारे
स्टिकों को जलाते हैं, खुश्क ड्राई स्टिकों को जलाते हैं और इसी आग से ना फिर गुड़ बनाते हैं। उसके लिए कुछ अलहदा से लकड़ी या कुछ गैस वगैरह यूज नहीं करते। उस जगह पे अभी गुड़ रेडी होने में ना थोड़ा सा टाइम था, तो भाई मैं एक दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे होपफुली रेडी हुआ होगा, तो वहाँ पे रेडी हुआ गुड़ देखते हैं। ये रास्ते में एक जगह पे रुके हैं और यहाँ पे जो है ना आलू वाले पकोड़े, आलू बेसन वाले जो है ना पकोड़े बना रहे हैं, यानी टिक्कियां टाइप ही बना रही हैं गोल गोल जो है, और ये देखने में ना मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल नहीं लेना। आजकल मैं वैसे ही फ्राइड वॉट कर रहा हूँ और ये चल झूठा कुछ ज्यादा ही हाइजीनिक है, तो मैं तो इतने ज्यादा हाइजीनिक खाता नहीं, सो ये नहीं खाएंगे। तो यहाँ से शेक लेते हैं जो थोड़ा हाइजीनिक होगा और फिर चलते हैं। ये यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है और इस टाइम इसकी हालत जो है ना मिट्टी से बड़ी पड़ी है, ऑल दो के जब मैं घर से निकाली थी तब भी मिट्टी से बड़ी पड़ी थी, लेकिन रास्ते में और ज़्यादा डस्ट पड़ रही है, तो इसको भी आज जाके वॉश करते हैं। दूर से जो है ना ये ऐसे लग रही है जैसे इसका कलर जो है ना सिल्वर है, लेकिन असल में ये ग्रे कलर है। अभी मैं एक दूसरी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से लास्ट टाइम मेरे मामू जो हैं वो लेके भी गए थे, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन लेट क्या हो गए, ऑलमोस्ट तैयार भी हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो है इन्होंने तैयार करके ना हाथ के साथ उसके पीसेस बना दिए और उसके अंदर ना अब ये मक्खन शक्कन लगा रहे हैं। तो अभी इसको कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी भाई का? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, लेना नहीं है। 20 मिनट लगेंगे। तो ये जो है ये भाई ने पहले से बुक किया हुआ और अभी 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी अगर आप शक्ल देखे ना तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, कलर आ चुका है इसको येलो येलो। और ये जो है भाई जो है अपने कस्टमाइज चीज़ें तैयार करा रहे हैं उसके अंदर, ये क्योंकि भाई ने अपना सारा खुद बनवा रहे हैं ये वाला भाई है, तो उसके अंदर ना ये सारी कस्टमाइज चीज़ें डाल रहे हैं। इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के खुश्क मेवा जात हैं जो डाल रहे हैं और इसको ना मिक्स कर रहे हैं उसके साथ, तो ये सारे मिक्स वगैरह करके ना तो इसके ऊपर लगाएंगे कि उसके अंदर डालेंगे? अच्छा उसके नीचे डाल देंगे। नहीं नहीं ये इसको किसमें डालेंगे? वो मुझे पता है स्पेशल करा रहे हैं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ ये तैयार होने के बाद बीच में मिक्स करेंगे। तो ये तैयार होने के बाद बीच में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है ना दूसरी जगह पे यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि यहाँ पे भी वही जो गन्ने के जो बाकी पीसेज है ना उसके थ्रू। तो ये गुड़ जो है एक पोर्शन तैयार हो गया और इसको अभी इसके अंदर रखा हुआ है ठंडा करने के लिए, तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना तो इसको इसके साथ जो है ना वो पीसीस कर देंगे सारे। तो अभी इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है और उसके बाद अगला भी डाल दिया हुआ। यहाँ पे साथ ही एक शॉप लगा के बैठे हुए हैं जहाँ पे ये ना गुड़ बेच रहे हैं। ये शक्कर भी दे रहे हैं अंकल जी? भाई साहब शक्कर भी दे रहे हो? शक्कर किस गुड़ से बनती है कि लैला बनती है? इससे ही बनती है। अच्छा इसको पीस के जो टुकड़ा होता है उसकी शक्कर बन जाती है? तो कितने के किलो दे रहे हो आप? अच्छा यहाँ पे भी ना यहाँ पे भी 250 रुपये किलो दे रहे हैं और इन्होंने शक्कर भी रखी हुई है और गुड़ भी रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये एक सीन है, ये रोड साइड चौक है, ऑलमोस्ट ये मुल्तान रोड है और मुल्तान रोड पे काफ़ी ज़्यादा जो है इसी तरह डिफरेंट जगहों पे शॉप बनी है और ये लिखा हुआ है लाहौर 48 किलोमीटर, तो हम अराउंड 48 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। अच्छा तो यहाँ पे आए हैं तो शक्कर ले रहा हूँ और साथ में थोड़ा सा गुड़ ले रहा हूँ। वैसे लास्ट वीक में जो है ना अभी कुछ दिन पहले ही यहीं से मेरे मामू जो थे गुड़ और गुड़ लेके गए थे, तो उसी वजह से फिर मैं यहाँ पे आया कि इस प्रोसेस को देखना चाहिए कि प्रोसेस कैसे होता है और ये कैसे गुड़ वगैरह तैयार करते हैं।
भाई ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। वैसे मैंने इस्तेमाल किया था, इसी वजह से आया हूँ। वो मेरे मामू बैठे हैं ना, वो मेरा ख्याल है 2-4 दिन पहले लेके गए थे आपसे ही, तो इसी वजह से मैं दोबारा आया हूँ। वरना बाकी वहाँ से जो गुड़ वगैरह मिलता है ना, उसके अंदर वो डला होता है पाउडर वगैरह, हाँ जो सोडा डला होता है ना, वो खाने से भी ना आपके मुंह में जीभ से छाले से बन जाते हैं। और जो प्योर देसी गुड़ होता है ना, उसकी तो बगैर क्या ही बात है। तो ये ऑलमोस्ट देसी गुड़ ही लग रहा है, और शक्कर भी जो है वो भी प्योर ही लग रही है। अच्छा ये दोनों के कलर में फर्क क्यों है? एक ये टमाटर का बीज और है, अच्छा टमाटर की वैरायटी और है। अच्छा अच्छा डिफरेंट वाला डिफरेंट गन्ने की फसल। अच्छा तो लैदा लैदा बनाते हैं हर फसल को। अच्छा तो इसके साथ ही जो है आप इस ब्लॉग को मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।